हेलो, आज का टॉपिक है नो सेकेंड रॉय बाय विलियम बटलर यीट्स। विलियम बटलर यीट्स एक बहुत ही बड़े आयरिश पोएट हुआ करते थे। उन्होंने ये पोएम 1916 में लिखा था और इसको पब्लिश किया गया था 1921 में। इस पोएम में वो अपने लव रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं एक लेडी के साथ जिनका नाम था मॉन्टगोमरी, जो एक आयरलैंड में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हुआ करती थी और वो बहुत ही सुंदर थी। और उनको इस पोएम में पोएट ने हेलेन के साथ कंपेयर किया है। हेलेन वो औरत थी जिनके वजह से ट्रोजन वॉर हुआ था। तो आगे आगे आपको सब समझ आ जाएगा इस टॉपिक के बारे में। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं कि इस पोएम में पहली बात ट्रोजन वॉर का रेफरेंस आया है, क्योंकि इसके टाइटल में ही इसका टाइटल ही है नो सेकेंड ट्रॉय। तो नो सेकेंड ट्रॉय का मतलब है ट्रॉय एक सिटी हुआ करती थी ग्रीस में। तो एक किंग थे, किंग मेनेलस, जिनकी वाइफ का नाम था हेलेन। वो बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन। तो जो हेलेन थी वो प्रिंस पेरिस के साथ भाग गई थी। तो जब किंग मेनेलस ने प्रिंस पेरिस को ये बोला कि आप मेरे को मेरी वाइफ वापस कर दीजिए, तो पेरिस ने मना कर दिया, जिस वजह से किंग मेनेलस ने प्रिंस पेरिस के ट्रोजन वॉर हुआ, ट्रॉय सिटी पे उन्होंने हमला बोल दिया था। प्रिंस पेरिस दिखने में तो बहुत अच्छे थे, बट उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेनेलस को हरा सके। तो इसीलिए वो जो ट्रोजन वॉर था वो किंग मेनेलस जीत गए, और बदले में उन्होंने पूरा जो ट्रॉय सिटी था वो पूरा जला के राख कर दिया। ट्रॉय सिटी वॉज बर्न टू एशेस, कुछ बचा नहीं वहाँ पे। तो इसीलिए मतलब बोला गया कि एक औरत की वजह से इतना बड़ा एक वॉर हो गया, पूरी एक सिटी पूरी ख़त्म हो गई। और सेकंड जो इसमें थीम है वो है रेवोल्यूशन का। जो मॉन्टगोमरी है इस पोएम में, जो हमारे पोएट की लव आइडल है, तो वो एक पॉलिटिकल लीडर एक्टिविस्ट है और वो चाहती है कि आयरलैंड में रेवोल्यूशन आए। तो अब मैं आपको लाइन टू लाइन ये पोएम समझाती हूँ। वाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्ड माई डेज विद मिजरी और दैट शी वुड ऑफ लेट हैव टॉट टू इग्नोरेंट मैन मोस्ट वायलेंट वेज और हर्ल्ड द लिटिल स्ट्रीट्स अपॉन द ग्रेट हैड दे बट करेज इक्वल टू डिज़ायर। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि मैं क्यों उसको ब्लेम करूँ कि उसने मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मिजरी भर दिया, क्यों मैं उसको ये उस पर ये ब्लेम डालूँ कि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, दुखों से भर दिया। यहाँ पोएट ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मॉन्टगोमरी है वो बहुत बार पोएट का जो प्रपोज़ल है वो ठुकरा चुकी है बहुत बार। और फिर ये आगे चलते फिर ये बोलते हैं कि या फिर मैं इसलिए ब्लेम करूं कि तुमने जो इग्नोरेंट मैन, जो आम जनता थी, उनको सबसे ज़्यादा वायलेंट वे समझा दिए और होल्ड द लिटिल स्ट्रीट्स अपॉन द ग्रेट। यहाँ पे लिटिल स्ट्रीट्स का मतलब है जो आम लोग थे, आयरलैंड के जो आम जनता थी, जो बहुत जो पावरफुल नहीं थे, अपॉन द ग्रेट। यहाँ ग्रेट का मतलब है ब्रिटिश कॉलोनियल पावर। जो मॉन्टगोमरी थी वो बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल एक्टिविस्ट थी, जिन्होंने वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट टाइप की एक्टिविस्ट थी, वो चाहती थी वायलेंस हो, वो लोगों के अंदर वायलेंस डालती थी, जो पोएट को पसंद नहीं था। तो इसलिए उनको ऐसे पोएट ने बोला कि क्या मैं इसलिए तुम पे ब्लेम डालूं कि तुमने गरीब लोगों पे, आम जनता में जिनमें इतनी हिम्मत है ही नहीं, उनके अंदर इतना वायलेंस भर दिया और उनको इतने पावरफुल लोगों के सामने खड़ा कर दिया जो कि जिनके साथ ये लड़ भी नहीं सकते। हैड दे बट करेज इक्वल टू डिज़ायर, क्या उनमें चाहत थी जितना ज़्यादा तुमने इनमें भर दिया, क्या उनमें इतनी हिम्मत है, माना तुमने इनके अंदर वायलेंस भर दिया लड़ने के लिए, पर क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि ये लड़ सके उनके सामने। आगे चलते हैं। वट कुड हैव मेड हर पीसफुल विद अ माइंड दैट नोबलनेस मेड सिंपल एज अ फायर। तो यहाँ पे पोएट हमसे बोलते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब सुंदर होने के बावजूद, मॉन्टगोमरी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी दिखने में, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन। सो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि तुम्हें दिखने में तो तुम इतनी सुंदर हो, इतनी नोबल लगती हो, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतना वायलेंस कहाँ से आता है, इतनी ज़्यादा गुस्सा तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया। विद ब्यूटी लाइक अ टाइटेंड बो, अ काइंड दैट इज़ नॉट नेचुरल इन एन एज लाइक दिस, being high and solitary and most stern.
विद ब्यूटी लाइक अ टाइटेंड बो. टाइटेंड बो से यहाँ पे पोएट हमसे ये रेफर करना चाहते हैं कि जब जब तीर छोड़ा जाता है तो तीर को बहुत ज़ोर से खींचा जाता है छोड़ने से पहले, तो बहुत पावर के साथ. तो वो मॉन्टगोमरी को बोलते हैं कि एक तो तुम इतनी सुंदर, ऊपर से तुम इतनी पावरफुल बनना चाह रही हो, तुमने इतने पावर के साथ लोगों के अंदर लोगों को मोटिवेट करा है, लोगों के अंदर गुस्से को भरा है कि वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सके, तो मेरे को तो लगता है कि तुम इस एज की हो ही नहीं, तुम्हें किसी ग्रीक ट्रेजेडी एज का होना चाहिए था. पोएट ये समझता है कि इतनी सुंदरता कंटेम्प्रेरी एज में कहाँ से आ गया, ये ऐसी सुंदरता तो सिर्फ ग्रीक ट्रेजेडी में देखने को मिलता था, इसका मतलब तुम गलत एज में आ गई हो. फिर ये बोलते हैं कि बींग हाई एंड सॉलिटरी एंड मोस्ट स्टर्न, तो वो बोलते कि इतना बड़ा उठने के बाद भी क्या तुम में हिम्मत है कि तुम उनका जवाब दे पाओ, वो भी उन लोगों के थ्रू जो बहुत आम लोग हैं उनके सामने. फिर ये बोलते हैं व्हाई, व्हाट कुड शी हैव डन बींग व्हाट शी इज, वॉज देयर अनदर ट्रॉय फॉर हर टू बर्न. तो यहाँ पे पोएम पूछ यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो पूछते हैं उससे कि व्हाई, क्यों, कैसे. तो वो पूछना चाहते हैं कि क्या तुम इतनी सुंदर बन के कुछ और करना चाह रही थी, या तुम कुछ और कर रही हो, क्या इतनी सुंदर बन के, क्या पता तुम अगर ये आज एक ट्रॉय शहर होता तो ये तुम जला देती पूरा, पर आयरलैंड बच गया क्योंकि दूसरा ट्रॉय शहर कभी था ही नहीं और ना कभी होगा. अगर होता तो आज तुम्हारे वजह से ट्रॉय शहर, ये वाला ट्रॉय शहर भी जल जाता, जैसे हेलेन के वजह से ट्रॉय शहर जला था, आज तुम्हारे वजह से भी एक और ट्रॉय शहर जलता, पर वो नहीं हुआ और ना ही होगा. तो इस पोएम में बस पोएट इतना ही बोलना चाह रहे थे. उन्होंने 12 लाइन में बहुत बड़ी बड़ी बातें, दो मेजर थीम एक्सप्लेन कर दिया. पहला है लव, जो कि हेलेन के टाइम पे भी था और मॉन्टगोमरी के टाइम पे भी, एंड सेकंड इज़ रेवोल्यूशन, कि कैसे मॉन्टगोमरी चेंज लाना चाहती थी आम जनता के थ्रू कि वो पावरफुल लोगों के खिलाफ लड़ सके. होपफुली आपको भी टॉपिक समझ आ गया होगा. थैंक यू.